नहीं, पीर पंजाल तो मेरा घर है, ये मेरे घर से भी ज्यादा नजदीक है और इसके साथ मुफ्ती साहब को बहुत ही ज्यादा अकीदत था, बहुत प्यार था और इसीलिए उन्होंने मुगल रोड भी बनाया ताकि हमें आने जाने में सहूलियत हो जाए, हम एक दूसरे के नजदीक आ जाए। तो यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, जब से भी मैंने सियासत में पांव रखा है बहुत प्यार से, और बहुत मैं यहाँ आती हूँ, जब मैं दुखी हो जाती हूँ थोड़ी सी कश्मीर में हालात वहाँ देख के, तो मैं यहाँ आती हूँ और यहाँ मुझे यहाँ के लोगों से मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलती है। मुश्किलात हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ी चीज है जिसके लिए लोग जो नौजवान निकलते हैं तो उनको डंडे खाने पड़ते हैं, जो थोड़ी बहुत नौकरियां बची हुई हैं उसमें धांधलियां होती हैं, लोगों को नौकरियों से बाहर निकाला जाता है, नई नौकरियां आ नहीं रही हैं और ऊपर से दूसरा ऑर्डर निकाला है एलजी साहब ने कि जो पोस्ट 2 साल तक खाली रहेंगी उनको रेफर भी नहीं करना है। ऑलरेडी नौजवानों की जो एज थी नौकरियां जम्मू कश्मीर में उसको भी कम किया गया, तो ये तो सबसे बड़ा मामला है। दूसरा जो ये पेंशन का किया गया है कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बूढ़े बुजुर्ग अपाहज लोग कैसे जाएंगे, इसी तरह राशन की बहुत दिक्कत है, पहले राशन जो मिलता था अब वो भी कम हो गया है और सड़कों की हालत बहुत खराब है, अस्पतालों में जो है डॉक्टर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो सब जो प्रॉब्लम्स है वो तो है। मैं क्या कहूँ, अब एलजी साहब यूपी से आए हैं, उनको अपना तजुर्बा भाई वैसे ही होगा, वो वहाँ जो माफिया वाफिया गुंडे शुंडे हैं हो सकता है वहाँ वो उनका रिवाज हो वैसे लोगों को, वहाँ माफिया शाफिया को नौकरी देने का गुंडों से, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। पिछली सरकारों पर मैम ये इल्जाम है, पिछली सरकारों पर ये इल्जाम है 10 दिनों तक लोगों से राय है। प्रॉपर्टी टैक्स का इम्पोज करना यहाँ पर ये कह के कि हर जगह ये होता है, मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा जुल्म है जो इस वक्त हमारे हालात है। 2019 में जिस तरह 370 खत्म किया गया, उसके बाद यहाँ शटडाउन रहा, उसके बाद कोविड आया, उसके बाद आपने जम्मू में बिल्कुल दरबार मुंह बंद कर दिया। आप जम्मू के दुकानदारों की हालत देख लीजिए, क्या हालत है, कहाँ से लाएंगे प्रॉपर्टी टैक्स, लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, महंगाई इतनी ज्यादा है, गैस की कीमत कित आसमान को छू रही है, तो ऐसे में लोग कहाँ से लाएं जो वो प्रॉपर्टी टैक्स दे। एक तरफ से आप घरों को गिरा रहे हो, दूसरी तरफ से जो घर बचे उसमें कहते हो टैक्स दे दो, तो मैं समझती हूँ बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मैं सबसे जुड़ा हुआ सवाल, सभी रीजनल पार्टीज ने मिलकर पीएजीडी को कायम किया था जम्मू कश्मीर में, पिछले काफी अच्छा से कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई अभी मीटिंग नहीं हुआ, अभी तो फिलहाल ऑल पार्टी मीटिंग हुई है जम्मू में। पीएजीडी उसके बारे में मालूम नहीं क्या सवाल है।